ए, इधर शान पत्ती नहीं दिखाने का। इस खेल का बादशाह हूं मैं। ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं भाई, ये खेलने की जिद कर रहा है। कोई ताश का दीवाना है। ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी? हाँ। तो ये चक्कर है। ऑफर याद आया? हाँ। या तो उसकी बेटी इधर आके तुझसे बात करे या कोई मर्द आके तुझे सबक सिखाए, यही ऑफर था ना? हाँ। तो ले, मैं आ गया। ए, फोड़ दो साले को। हमें फट के पड़ गए। चलो ये साला तो माहिर खिलाड़ी निकला भाई लोग। सॉरी बोल क्या रे? दाव में तो तूने कॉलर पकड़ा था, माफी अब हाथ पकड़ के मांगेगा क्या? चल पैर पकड़। चलो जो हुआ सो हुआ, आप घर चलो। और बताओ हमारे यम बॉस कैसे हैं? तुम उन्हें कैसे जानते हो? अरे अपने जिगरी हैं, यहाँ पहला चक्कर थोड़ी है, पहले भी आ चुका हूँ मैं। दो दो बार? वो कैसे? अरे लंबी कहानी है भाई। अरे ये कहाँ ले आए, नर्क जैसा तो नहीं दिख रहा? ये स्वर्ग लोक है, यमराज के ऑर्डर्स है कि तुम्हें नर्क लोक से स्वर्ग लोक में शिफ्ट किया जाए। मतलब के दर्शन होंगे, सही कहा ना? सही कहा। फिर तो जीवन सफल हो गया। चलो जी धन्यवाद।
आज विष्णु जी कुछ विचलित दिख रहे थे काली शक्तियों के कारण। उन्हें रोकना ही होगा हमें। शिव जी उन्हें दंड स्वरूप अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देंगे। स्वामी, कुछ अशुभ होने वाला है। क्या अशुभ होने वाला है? एक समस्या ने जन्म लिया है। इस समस्या का कोई समाधान है? समाधान ने भी जन्म ले लिया है। क्या समस्या और समाधान में कोई रिश्ता होगा? क्यों नहीं, जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति और विनाश, ये सब विष्णु जी की लीला है। ये बंगार राजू का बेटा रामू है और ये उनकी पत्नी सत्यभामा। सब बहुत खुश थे, पर तभी ये खुशी दुख में बदल गई। रामू की पत्नी सीता का देहांत हो गया। उस मासूम बच्चे को रामू और उसकी माँ सत्यभामा ने नाम दिया बंगार राजू। बंगार राजू। उसी दौरान उसके पड़ोसी रमेश के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा नागलक्ष्मी। बहुत शुभ नक्षत्र में जन्म लिया है दोनों ने। अगर इन दोनों का विवाह हुआ तो साक्षात शिव और पार्वती जितना पवित्र और सुखी रिश्ता होगा इन दोनों का। ये बात है? हाँ बिल्कुल। रमेश, बंगार राजू और नागलक्ष्मी की जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी होगी, दोनों की शादी करवा दे। अरे अभी अभी तो नामकरण संस्कार हुआ है। रुक जाओ पंडित, विवाह की सलाह तो दे दी पर विपत्ति के बारे में नहीं बताया। उनमें सांप और नेवले जैसी शत्रुता होगी, उन्हें आगाह करो। कुंडली में ऐसा नहीं है स्वामी। कुंडली मनुष्य बनाता है और भाग्य विधाता लिखता है। अंगारों पर चलना होगा उन्हें। सुनो माँ। रामू, अब मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पर, बस अपने काम में बिजी रहूं यही अच्छा है मेरे लिए। सोच रहा हूँ यूएस चला जाऊं, वही जॉब करना मेरे लिए सही होगा। जब भी वक्त मिला करेगा आ जाया करूंगा। समझ सकती हूँ, तुम कहो तो तुम्हारी दूसरी शादी करवा देती हूँ बेटा। सीता की यादों के सहारे ही जी लूंगा मां। रही इस बच्चे को पालने की बात, तो आप है ना, दोबारा इस टॉपिक को मत निकालिएगा। सत्यभामा ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। बड़े भारी मन से उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया। इतने अच्छे दिन पर ये आंसू। नन्ही सी जान पे स्कूल की पढ़ाई का इतना बोझ। पढ़ाई बोझ लगती है? वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है। वो लड़की है, हालात से समझौता कर लेगी। आओ बेटा, वहाँ लड़कों के बीच बैठो। ये हार मुझे दे दो। जाओ जाकर बैठ जाओ बेटा, जाओ। हाय। अरे वाह, पूरा अपने दादाजी पे गया है। मतलब अरे आदि, बंगाराजू ने इसी स्कूल में एडमिशन लिया है, क्लास में बैठा है। उसका ख्याल रखना बेटा। ठीक है। बंगार राजू का जन्मदिन उसकी दादी उत्सव की तरह मनाती थी, पूरे गांव को भोजन करवाकर। खा लो बेटा। बंगार राजू और नाग लक्ष्मी की दोस्ती शुरू होने से पहले ही बच्चों कल क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन है, जो बनना चाहे अपना नाम लिखवा दे। ये सुनकर छोटी सी नाग लक्ष्मी को एक धमाकेदार आइडिया सूझा। ये सब क्या है नागलक्ष्मी? दूध, मक्खन, बादाम, पिस्ता, किशमिश, फल और सब्जियां भी है। मास्टर जी, आज क्लास मॉनिटर का फाइनल सिलेक्शन है ना? हाँ बेटा। ठीक है मास्टर जी। हाँ, तो इस साल की क्लास मॉनिटर सबसे होनहार स्टूडेंट हमारे सरपंच की बेटी नागलक्ष्मी चुनी जाती है। नागलक्ष्मी क्लास लीडर। थैंक यू मास्टर जी। थैंक यू, थैंक यू। ए बंगाराजू, लड़कियों के बीच क्यों बैठे हो तुम? वहाँ बैठो। मुझे बताने वाली तू कौन है? मैं क्लास की मॉनिटर हूँ। लीडर लगती हो। लीडर कहा? हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। बंगार राजू और नाग लक्ष्मी रोज लड़ाई करते। उन दोनों को रमेश और सत्यभामा भी शांत नहीं कर पाते थे। हम इनकी शादी करवाना चाहते हैं, ऐसे तो पहले दिन ही तलाक हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस चल रही है। अरे आदि, बंगार राजू कहाँ है? वो रहा वहाँ। सत्यभामा ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बंगार राजू!
बाबू तबला बजाओ ना हारमोनियम। बंगाराजू सर, डांटा कुटडना ये कौन सी ताल है? अरे मेरा बांगड़ू, कितने सालों से संगीत सीख रहा है, ये ताल नहीं खेल है। डांटा कुटडना ना ना, आ जाओ अप्सराओ। रूप सुंदरियों, शुरू करें कबड्डी। अति उत्तम। आउट हो गया, हार गया। अरे छोड़ो मुझे, आज इतनी जल्दी हार मान गए? मेरे गले का हार जो आ गई। हाँ। सत्या तुम और यहाँ इतनी जल्दी राम नाम सत्य हो गया? मेरी मौत से दुखी हो या मेरे यहाँ आने से? क्या चल रहा है ये, इतनी सारी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? गलत समझ रही है माते, ये कबड्डी खेल रहे हैं। स्वर्ग में सभी की दबी इच्छाएं पूरी होती हैं, इनकी ये है। नारा जी अपना मुखमंडल बंद रखिए। ओह, तो ये है तुम्हारी इच्छा? बस गया बेटा तू। हाँ, तुम्हें साड़ियाँ बहुत पसंद है ना, वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको, यहाँ सोचने पे ही मिल जाती है। बिल्कुल सही, बात को घुमाओ मत। ये सब कौन है? अरे ये तो रंबा उर्वशी मेनका है ना। हाँ, अब अरे इनसे मिलो सत्यमा, मेरी इकलौती धर्म की पत्नी। नमस्ते लीली, हमारे स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है। कल तक ये प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी, अब ये बैठ कर निहारेंगी। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ये बस आपकी सुंदरता के राग गाते रहते हैं दीदी। और एक बार दीदी कहो तो तेरी जबान खींच लूंगी। अरे सुनिए जी, यहाँ इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हंस रहे हो, मुझे भूल गए ना? मौज मस्ती का असली मजा तो तुम्हारे साथ है मेरी। क्या होता है? मतलब हरी भरी, थोड़ी खिली खिली, मेरे जीवन की हरियाली है मेरी जाने मत। नाम सुनते ही शर्मा जाती है। शर्मा तो नहीं रही, बल्कि गुस्से में टमाटर जैसी लालम लाल हो रही है। अच्छा ऐसा है क्या, गुस्सा फुर्र किए देते हैं? अरे गाल तो शर्म से लाल है, गुस्से से नहीं। गौर से देखो, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते, जुबान से ना सही लेकिन नशीली आंखें सब बयान कर रही है, प्यार छलक रहा है। ये हया, ये तबस्सुम किसी की भी जान लेने के लिए बहुत है, है ना जाने मत। अरे इस गुलदशी हुस्न के आगे तो इंद्रलोक की सारी अप्सराएं भी पानी भरती हैं। अच्छा तुम भी ना एक नंबर के फरेबी हो, मुझे किस तरह से मनाना ये अच्छी तरह से जानते हो। आजा। अब ये बताओ नीचे सबके क्या हाल है? अपना बेटा रामू, उसे एक बेटा हुआ है। अपने जोकर ने बेटा पैदा किया? जरूर वो भी जोकर ही होगा। काश होता, वो तो आप पर ही गया है, अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है उसने, उसकी हरकतें देखकर ही यहाँ पहुँची हूँ। शेर का पोता शेर ही होगा, मेरे मूंछों की आन रख ली, उसे देखना है मुझे। कहाँ है वो? ये भी आपकी दबी इच्छा होगी, आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। अरे तो उसमें बुराई क्या है प्रभु, उसे सुधारना होगा। पहले उसे देख तो लूं। चलो चलो। देखा, बिल्कुल मुझ पर गया है, करे मेरा का नहीं है। कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? यहाँ का एक मिनट, वहाँ का एक साल है, अब मुझे मेरे पोते को देखने दो। और बंगाराजू, बंगाराजू फूलों की सजावट कैसी लगी? पहला कॉन्ट्रैक्ट है। सही है यार, चल। सारे फूलों को सोने के भाव में बेचा इसने। आउट। अरे क्या हुआ? अरे मम्मा, माँ मुझे दिखाओ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मोच आ गई। अब इतनी सुंदर हो तो नजर तो लगेगी ना, दादी से कहकर काला टीका लगवा लो। कह दूंगी। वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ। कैसे? क्यों बंगार राजू, गांव के सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो? अरे इसे फंसाना नहीं कहते। तो फिर? अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फंसा ही नहीं सकता। आहा। लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी।
फंसाना तो बहुत छोटी सोच है, पटाना अलग बात है। अब तुम्हें देखो ना। ओह स्मार्ट, चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं रस्सी खींचूंगी, तुम मटका फोड़ना। हाँ। अगर तुम मटका फोड़ पाए तो पट जाऊंगी। अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो, लड़कियों की गेम डेंजरस होती है, मरवाएंगी। पूजा की तैयारी करते हैं, चलो। रुक क्यों गए, नहीं फोड़ सकते? मैं नहीं फोड़ूंगा, मटका वो फोड़ेगी। देखते हैं। पूरा किशन कन्हैया निकला, जरूर मेरा नाम रोशन करेगा ये। डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है, हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजू। जब वो छुट्टियों में गांव आता है मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है, बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियां कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं, चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं। उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह, तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पे खुश हो गए? मैं खुश देखता हूँ। तुमसे नहीं होगा बंगार राजू। हाँ। मजनू बनके लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। हाँ। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से? नहीं मामी, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं है। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है मामा? इस घर आप ही बताइए, हम सभी को। मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को, अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते बंगा राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना खाया? क्या लता, हर बार तुम ही खाना खिलाओगी? ये मेरा भी बेटा है, आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई हैं, फिश करी और राइस, इडली के साथ सांभर, नारियल की चटनी, आमरस और दही बड़े भी हैं। तो अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। पागल हो गई हो? खाना है कि छप्पन भूखा प्रसाद? मतलब राशन महंगा हो गया है ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो है, जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा। हाँ। वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में। अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे, उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। माना तुम्हारी आंखों का तारा है, लेकिन तुम्हारा ये काना जो है ना, गांव की हर गोपी को घुमा रहा है। उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है, मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी। मस्का मत मारो मुझे, मुद्दे की बात करो। अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया, लेकिन इस बेलगाम घोड़े के लिए लगाम कहाँ से मिलेगी? मिल गई है, अपने पुराने पड़ोसी की बेटी। कौन से पड़ोसी? वो रमेश यादव है, वो अभी गाँव के सरपंच है। हाँ। उनकी बेटी नागलक्ष्मी। सरपंच नागलक्ष्मी आज ये गांव पे राज करेंगे, कल दिल्ली में। क्या प्लान किया इस गांव के? सरपंच मेरे दादाजी रह चुके हैं, मेरे पिताजी रह चुके हैं और अब सरपंच मैं हूँ।
इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें सरपंच नाग लक्ष्मी जी। बस करो, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या तमाशा? बैठे रहिए। सरपंच को आशीर्वाद दीजिए। सरपंच? कहाँ की सरपंच? ये बच्ची सरपंच बनेगी? और कौन बनेगा? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मिलेगी? इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास? बिल्कुल नहीं। आपने एक जीनियस को जन्म दिया है पापा। सारी दुनिया ये कहती है। इसका देने का इन लोगों ने? इनका मत मानो। ए, क्या गलत सलत सिखाया? इसका नाम तो गिनीज बुक में भी है। ऐसा क्या? और क्या पापा? अरे ओ नागलक्ष्मी, ये कहाँ से आटप का? जोर का झटका देगा। यहाँ क्यों आया बंगार राजू? ऐसी होपलेस ब्रेनलेस यूजलेस लड़की चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। हो गया। सही कहा ना? जवाब दो पापा। वैसे बंगार राजू की बात में दम तो है, मेरा मतलब ए, चल चल निकल गया से, 2.5 ग्राम भेजे के साथ सरपंच बनेगी। एक्सपोज वगैरह यहाँ पर नहीं आती, अकेले में जाके करना, गाँव के सामने एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस, इतना भी नहीं बतान पड़ गया। काला कांडिका ओम त्रयंबकयजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं विभवंधनान् मृत्योर्मुक्तिः। हाँ बोलो, क्या हुआ? आदि, नागलक्ष्मी और बंगाराजू फिर से लड़ पड़े। जल्दी से पंचायत ऑफिस पहुंच जाओ। ये दोनों सुधरेंगे नहीं। मैं अभी आता। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पॉलिटिशियन बनूंगी। ट्विटर पे चुनाव प्रचार करूंगी, समस्याएं इंस्टाग्राम पे सुलझाऊंगी, अपने अच्छे काम फेसबुक पे अपलोड करूंगी। बढ़िया है, फिर गाय भैंस के गूगल पे चलाएगी। ऐसी फिसद्दी सरपंच नहीं चाहिए हमें। मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन। बंगाराजू इस बार लेडीज रिजर्वेशन है लड़की तो नहीं। नागलक्ष्मी, इसे चैलेंज मत कर, किसी और लड़की से चुनाव लड़वा देगा। ये अच्छा आइडिया है। मेरा करियर डुबा रहे हो। मुंह से निकल। बंगाराजू इसे समझाना। क्या बोली? ये क्या करेगा? बोल क्या बोल रही है वो? मेरी बात जल्दी बोल। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर उसका क्या फायदा? नागलक्ष्मी तो अपनी ही है। चल चल, अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगे। सही कहा, मेरी बात मान ले। ये सही बात तो कर रहे हैं बंगार राजू, इसी में गांव की भलाई है। हाँ ठीक है, आदि ने कहा इसलिए मान रहा हूँ मैं। सुन ले, मुझे नेतागिरी दिखाई ना तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, बोल रहा हूँ मैं। हाँ कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते रहते हैं दोनों, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। ये शादी होने से नहीं। चलो चलो चलो। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे चलो, इस रिश्ते को भूल जाओ। इसमें वक्त लगेगा साहब। रेत में ये पत्थर मिले, माइनिंग ऑफिसर को बुला, इसे चेक करवाना है। सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये बेशकीमती नगीने हैं। इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें फोन करता हूं। हेलो सर, अनबिलीवेबल सर। इतनी सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहा है? नया ट्रैक्टर खरीदा है, उसी की पूजा कर रहा हूँ। ओहो, अच्छा है। क्यों भाई, लोन भगवान ने दी है क्या? तू नहीं सुधरेगा। आज मंदिर में कैसे आया? भगवान पर विश्वास करने लग गया क्या? मजाक कर रहा है क्या? पत्ते खेलने जा रहा था,
गेम में हमेशा एक जोकर की जरूरत पड़ती है ना, तो राम बाबू को लेने आ गया, पता था ये यही मिलेगा। सब आज ही मांग लेगा क्या? अब मंदिर आ ही गया तो जाके दर्शन भी कर ले। नहीं रहने दे भाई, तुझे तो पता है ना अपना तो बचपन से इससे 36 का आंकड़ा रहा है। पहले माँ को मुझसे छीन लिया, फिर दादी का नंबर लगा लिया, पापा को दूर यूएस से भेज दिया। अब मैं किसी और को दूर करना नहीं चाहता। इस लाइफ में इसके सामने सर झुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं, समझ गए? ये सदा शिव शंभु शंकरा, है तो ना ये तेरा शंकरा, नृत्य कर रहा नंदी खो के धुन में तेरी दास, ये तेरा शंकरा। वाह 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 स्वामी जी, क्या फाड़ू वॉइस है आपकी। रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दोगे ना, पता है एक दिन में वायरल हो जाएगी। क्या कहता है, सही कह रहा हूँ ना? कहाँ खो गया ये रमेश अंकल? इतने उदास क्यों लग रहे? अच्छा क्या अंकल, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज उनका बहुत अपमान हुआ बाबू, मेरे कारण। मेरी 2 एकड़ जमीन है जिसे गिरवी रखकर मैंने उधार लिया, जिसे चुका नहीं पाए तो जमीन हड़प ली। रमेश जी मेरी ओर से सुलह करवाने गए तो उनका भी अपमान किया। उस गुंडे ने कहा कि जमीन चाहिए तो भेज दो, या किसी मर्द को दो दो हाथ करने के लिए भेजो। रमेश अंकल चलिए, मुझे कहीं नहीं चलना, उसे मेरा भगवान सबक सिखाएगा। अच्छा, उन्हें सबक सिखाने के लिए आपके भगवान वहां जाने वाले हैं? चलिए कहाँ रहते हैं बताइए। चल मैं दिखाता हूँ। मुझे माफ कर भाई, इनकी ट्रू कॉपी है तू। वहां प्रॉब्लम मैं सुलझाऊंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जाएगा। नया ट्रैक्टर लिया है ना, पूजा कंटिन्यू कर, उनके लिए मैं काफी हूं। यही रुकिए अंकल। ए कहाँ जा रहा है तू? जल्दी खेलता भी नहीं है। मेरे भी पत्ते बांट। हमारा गेम चालू है, तू कौन है बे? अरे 3 पत्ती का दीवाना हो यार, क्या तुम लोग ये बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो? बड़ी मुश्किल से जोकर मिला है, शायद इस बार में गेम जीत जाऊं। तेरी शक्ल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा ना। फिर से पत्ते बांट। ए इधर, शान पत्ती नहीं दिखाने का। इस खेल का बादशाह हूं मैं। ए, ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं भाई, ये खेलने की जिद कर रहा है। कोई ताश का दीवाना है। ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी? तो ये चक्कर है। ऑफर याद आया? या तो उसकी बेटी इधर आके तुझसे बात करे, या कोई मर्द आके तुझे सबक सिखाए, यही ऑफर था ना? तो ले मैं आ गया। ए, फोड़ दो साले को। यहां से निकलना होगा वरना हम ही फटके पड़ गए। चलो ये साला तो माहिर खिलाड़ी निकला भाई लोग। सॉरी बोल। क्या रे, दाव में तो तूने कॉलर पकड़ा था, माफी अब हाथ पकड़ के मांगेगा क्या? चल पैर पकड़। चलो जो हुआ सो हुआ, आप घर चलो। अपनी अथक मेहनत और निरंतर प्रयासों से हमारी नागलक्ष्मी आज सरपंच बन गई है। डेयरिंग डैशिंग डायनेमिक सरपंच नागलक्ष्मी। बंगा राजू ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं, महा ज्यादा। पैसे खिलाएं। इस युग की महान नेता हमारी नागलक्ष्मी जी, आप स्टेज पर आइए और 2 शब्द कहिए। हाँ, तालियां तालियां। नागलक्ष्मी जी आपका स्वागत है। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? फ्रंट सीट पर बैठकर तालियां बजाकर तमाशा देख रहा है? हेडमास्टर ने बुलाया इसलिए आना पड़ा। बस हो गया, गवार कहीं के।
तालियां मत बजाइए। हाँ। अब मैं एक सरपंच बन गई हूँ, बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी हूँ। हाँ। पर मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है। ये ड्रेस देख रहे हो, फुटपाथ से खरीदा ना? मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपकी सरपंच तो हूँ ही, पर स्टूडेंट भी हूँ, ये याद दिलाती रहूंगी इस ड्रेस से। वाह, यही मेरी सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी विम्पलिसिटी कुछ नहीं, पब्लिसिटी है। सही पकड़े हो हेडमास्टर जी, अब आपकी बात। मतलब ये भी पकाएगा? लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, ओह आप लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी हैं। हमारी सरपंच इंसान नहीं, एक देवी है। बाप रे बाप रे बाप। हेडमास्टर जी, चमचागिरी कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? ये मैंने नहीं, उसने लिखा। इसके लिए उसने मुझे दूध मक्खन काजू किशमिश पिस्ते के पैकेट दिए हैं। सितारा है हमारी प्यारी नाग लक्ष्मी। मेरी मासूम बेटी पद्मा 2 महीने से लापता है, कोई ढूंढ के लाओ उसे। अरे यही कहीं होगी, शांत रहिए। अरे ये बंगाल राज्य भी सीट पे नहीं है। हा? मैं तो बर्बाद हो गया। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 और ये चोर निकल के भागा, चोर निकल के भागा, चोर। एक सरपंच का फर्ज है गांव की हर बेटी की रक्षा करना। आइए मेरे साथ। सही कहा, अब बस आप ही पर भरोसा है। और ये चोर निकल के भागा 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 भागा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो आवारा हो गया, लोफर हो गया, कमीना हो गया, मवाली हो गया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उसे बिगाड़ने वाली उसकी दादी है। ए, कैमरा हटा। जो भी हो, बहुत बड़ी गलती की है उसने। उसकी दादी ने संस्कार ही नहीं दिए उसे। आज उस बंगाल राजू के बच्चे को अच्छा से तो ये मार खाएगा, जिंदगी भर याद रखेगा उसे भी कोई सरपंच मिली थी। बंगाल राजू, क्या हुआ मेरी सत्तू, नहीं रह पाती ना मेरे बिना? नीचे देखो। अब मजा आएगा। बहुत बार खेल चुका हूँ मैं ये खेल। वाले वच्चेस्तुन्नारु, ना मनोड़ दोरికిపోతే పరువు పోతుంది బంగారం। गांव वाले पास आ रहे हैं। नहीं पकड़ा जाएगा। चोर को पकड़ो, चोर को। मेरे पापा, अब तो ये जरूर पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा मेरी चुलबुल। अरे मेरे पापा सारे गांव वालों को लेकर आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो। जल्दी अंदर जाओ, जाओ। ठीक है। वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये तुम कैसे जानते थे? अरे कईयों को मैंने भी तो छुपाया। बेशरम। मतलब छुपाते देखा है। बस एक इक्का मिल जाए। बंगाल राजू, बस एक रानी मिल जाए। भूल जा। ए, सुनाई नहीं देता? हाँ, क्या है? सुबह राव की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना, कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। ए, औकात में रह तू, वरना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा। या तो उसे ढूंढ निकाल या अपने मुंह का शटर बंद रख। ये फेसबुक और ट्विटर वाले चोचले ना मेरे सामने मत आजमा, चल निकल। सरपंच की इंसल्ट, वो भी मुंह पे, कितना बेशरम है। इंसल्ट की? हाँ, की। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल चल जा अपना काम कर। चल। जोकर। अभी ढूंढ निकालती हूँ। अच्छा, काम पे। कहाँ छुपाया है उसे? मेरा पैक। कुछ कहा? देखना किसी झाड़ पे तो नहीं लटकी ना। चल भाग। चलो आग में थोड़ा और घी डालते हैं। हे नागलक्ष्मी, मिल गई क्या वो? अरे ये हमारी सरपंच मैडम है, जरा नारे तो लगाओ। नागलक्ष्मी देवी है महान, है शक्तिमान। नागलक्ष्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ए बंगाल राजू, आज का ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना। इन सब के सामने सरपंच आज ये शपथ लेती है। शपथ होगी? याद रखना बंगाल राजू, भरे बाजार में तेरा जुलूस निकालूंगा। क्या होगा? मुझे डर लग रहा है, बचा ले प्लीज। नहीं तो पीढ़ियों से मिल रहा ये गौरव, ये मान सम्मान, ये सरपंच का ओहदा, इससे रिजाइन कर दूंगी। अब और नहीं, ये सरपंच नागलक्ष्मी किसी का जुर्म नहीं सहेगी। आई बड़ी शपथ लेने वाली, चल निकल। और क्या? अरे सत्यमा, किस्मत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी ना। एक ही इलाज है, अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दो, हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पोते को अच्छी लड़की देगा कौन? कोई और लड़की नहीं चाहिए, उन दोनों की शिव पार्वती की जोड़ी है। पंडित जी ने कहा था शादी हो गई तो 7 जन्मों तक साथ रहेंगे,
नामकरण के दिन ही मैंने नागलक्ष्मी का हाथ मांग लिया था। अगर मैं इतनी जल्दी यहाँ नहीं आती तो खुद रमेश के घर जाती और उससे कहती, रमेश। हाँ आंटी। कुछ कहा आपने? हाँ, लगता है सपने में हमारी बात सुन रहा है। क्या हुआ रमेश? मैंने सब सुन लिया है। मैं सपने में हूँ? हाँ, कॉफी टी कुछ लेंगी क्या? क्या बात है, कंजूस ने कॉफी टी के लिए पूछा, जिंदा थे तो एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। अच्छा सुनो रमेश, अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से करवा दो ना। अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पर क्या है आंटी? हाँ बोलो। अपने दादा की ट्रू जेरोक्स निकला है वो। अबे चपड़ गंजू, मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहा है? पास ही बैठे थे, प्लीज बुरा मत मानना। तेरी तो। इनकी बात पे ध्यान मत दे। अच्छा रमेश सुनना, अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे। आपको पता नहीं, बचपन से आज तक दोनों लड़ते आए हैं। एक छत के नीचे रहे तो कुंग फू, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग हर दिन होगा। फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा। कल सुबह जल्दी उठना है, अब मुझे सोने दो। आराम से सो जा। नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? सत्या आंटी मेरे सपने में आई। सत्या सपने में आई थी? क्या बोली? बंगा राजू और नागलक्ष्मी की शादी करा दो। चुप रे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला। पानी पी और सो जा। इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा। अभी के अभी धरती पर जाओ, इसकी बेटी को राजी करो, शादी करा के ऊपर आ जाओ। पृथ्वी लोक स्वर्ग के अगल बगल में ही तो है, सुबह जाकर दोपहर तक लौट आऊंगा। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मरने की धमकी? कितनी बार मरेगी? मजाक कर रहा था मेरी हरी भरी। इंद्रदेव मेरे चाचा तो है नहीं, पूनम की रात का इंतजार करो, उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलेगा। चल मैं हूं ना, आ जा। यमराज जी को मेरा प्रणाम। इस वक्त यहां आने का कष्ट क्यों उठाया? शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक होगा। पृथ्वी पर हर वर्ष शिवरात्रि मनाई जाती है, पर इस वर्ष कुछ अशुभ होने वाला है। कोई अपशगुन ना हो इसलिए बंगा राजू की आत्मा को फिर से मृत्यु लोक भेजना होगा। एक दैविक कार्य के लिए हम सभी को मिलकर यह कठोर निर्णय लेना ही होगा। आत्मा को मृत्यु लोक भेजेंगे? किसकी आज्ञा से? शिव की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय। फिर तो भेजना ही होगा। बंगा राजू, इंद्र और यमराज यहीं आ रहे हैं। अरे यम बॉस, बड़े दिनों बाद दिखे, कहाँ घूमते इतने दिन? नर्क लोग के गर्ल्स के साथ बिजी थे क्या? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी चड्डी बड़ी हो। स्वामी इन्हें एक बार पृथ्वी लोक पर जाने दीजिए ना। हाँ मैंने इसे समझाया था, ये कोई लोनावला खंडाला नहीं है कि सैटरडे संडे घूमकर आ जाओ। कोई विशेष कार्य? हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है, जाने दीजिए ना प्रभु। ये हो ही नहीं सकता, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी हर चालाकी समझता हूँ बंगा राजू, अपनी पत्नी की बात सुनो, पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों भावना की रो में बह रहे हो प्रभु? बंगा राजू निर्णय हो चुका है, नीचे जाओ, विवाह संपन्न करके लौटना। उस लोक के कल्याण में ही इस लोक का कल्याण है। धन्यवाद प्रभु, चलो। हद हो गई, मर के भी चैन नहीं मिलता। अच्छा हुआ जो वो मान गए, अब शादी करा कर ही ऊपर आना। आने की बात मत करो। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, मुझे नहीं मालूम मैं कब तक लौटूंगा। लेकिन अगर रिश्वत दोगी तो।
भाई इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आजकल घर में टिकते ही नहीं हो। अरे बंगार राजू, जब से तुम्हारी दादी गुजरी है दिन रात तुम्हारी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं। हिसाब लिखते लिखते आंखों में छाले पड़ गए, पर क्या करें, करना पड़ेगा, हमारा फर्ज जो है। मैं ये हिसाब देखकर क्या करूंगा, आप लोग ही संभालो ना। अरे रे रे रे, ऐसा गजब मत करो, चाहे कयामत क्यों ना आ जाए पर तुम्हें हिसाब देते ही रहेंगे। दादी ने कसम जो दिलवाई थी। किसे? आपको? इसको। कब दिलवाई? चुप रे बोला कर, हिसाब तो देखना पड़ेगा, मेरी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दे दो हिसाब। ठीक है, आ जाओ। 50 एकड़ में नारियल के बगीचे, हर एकड़ से 2000 नारियल आते हैं। क्या राख पट्टी दे रहा है? टोटल नारियल हुए 1,00,000, एक नारियल की कीमत 2 रुपए, यानी की कमाई 2,00,000। तो ये रहे 2,00,000 रुपए, ये 1,00,000 कीड़े मारने की दवाई के लिए। यहाँ कीड़े ज्यादा ही बड़े हैं। इतने? अब आप बताओ। झींगे का तालाब 50 एकड़ में फैला है, सोचा हर झींगे से 100 झींगे पैदा होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्हें वाइग्रा वाली दवाई भी खिला के देख ली और 12 ही बढ़े। ओ अच्छा, पर केजी 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? अरे झींगा है, कोहिनूर का हीरा नहीं, छोटा कहीं का। ये मुनाफा और ये लागत। अगला हिसाब है 100 एकड़ में गन्ने की खेती का, उससे जो गुड़ बनता है किलो का 5 रुपए। 5 रुपए? और क्या, पिछले साल तो इससे भी आधे रेट में बेचा था। तेरे ओवर एक्टिंग कर। एक तो दूसरा फिश फार्म 50 एकड़ में, कुछ मछलियाँ 50 रुपए, कुछ 30 रुपए और कुछ 20 रुपए। क्या 20 रुपए? वेल मछली नहीं बेच रहे हैं, इतनी महंगी। इनके कपड़े उतार के मारना चाहिए इनको। तो फिश की कमाई हुई 2,00,000 रुपए और ये खर्चा। क्या ये आम हम खा सकते हैं? लॉस करवा होगी क्या? बंगा राजू के परमिशन के बिना नहीं ले सकते। चलो लाओ, दो 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 बाबा, और घर के अंदर जाके खेलो, चलो भागो। आप भी ना, दो आम तो थे। तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, ये 50,000 रुपए रख लो पॉकेट मनी के लिए, बाकी पैसों की मैं एफडी करवा देता हूँ। ये दोनों आम धोके खा लेना। नहीं नहीं छोड़ो, मैं धोके भिजवा देता हूँ। बाप रे, अकाउंट संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत ऐश कर ली। अपनी मुंडी जरा इधर घुमा। इसके टोन को क्या हुआ, नंदी बैल सांड बन गया? इधर आओ ब्रह्मो। ब्रह्मो, दाल में कुछ काला है। आओ जरा हिसाब करना बाकी है। इसको अचानक क्या हो गया? 50 एकड़ में कितने नारियल बोले तुमने? 1,00,000। कितना झूठ बोलोगे बे? 1 एकड़ में 1,000 नारियल होते हैं, हमारे पास 100 एकड़ है तो हुए 1,00,000। एक नारियल का 10 रुपया तो कहाँ है 10,00,000 रुपए, बताओ। चलो लाओ रोकड़ा। चुप क्यों खड़ा है, जवाब देना। 100 एकड़ गन्ने की खेती, 1 एकड़ से मिले 40 टन, टन का रेट 10 रुपया, उसके हुए 40,00,000, है ना? वो कहाँ फुर हो गए लंबे लंबे कीड़े मारने में। अगले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। फिश फार्मिंग पर तू ज्ञान झाड़ रहा था, समझा रहा था। हर मछली का प्राइस मुझबानी याद है, तो बड़ी मछली का कितना है? वो बड़ी मछली 50 और छोटी मछली फ्री में देता है क्या? और यहाँ पर एक आम खाने के लिए तुम मेरी परमिशन का नाटक कर रहे हो? हमने आपका नमक जो खाया है। ऐसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए। अगर कुछ चाहिए ना तो मुझसे बोलो, मैं दूंगा। पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रिश्ते नातों से बड़ा नहीं होता। जाओ। ओके। कहाँ जा रहे हो? ये आम चाहिए। मेरी बुलेट कहाँ पर है? पीछे। प्रगति की राह पर ले जाने वाली हमारी युवा नेता सरपंच नाग लक्ष्मी आज किसानों की समस्याएं सुलझाएंगी। तालियां। थैंक यू थैंक यू। मैंने किसानों वाला ड्रेस पहना है ताकि मैं भी आप में से ही एक लग सकूं।
ओहो आज से पहले किसी निकम्मे सरपंच ने विकास का कोई काम ही नहीं किया। अरे लगाम दे लगाम दे। हाँ? तुझसे पहले मैं सरपंच था, उससे पहले मेरे पापा, उससे पहले मेरे पापा के पापा। तेरी पब्लिसिटी हमें ले डूबेगी, तू अपनी बात कर। उन्होंने विकास किया है, मैं और विकास करूंगी। हाँ चलने दे। इतनी पढ़ाई की मैंने ताकि अनपढ़ गवारों का भला कर सकूं। वाह शाबाश, एक दिन पार्लियामेंट में जाओगी तुम, शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। ये देख क्या रहे हो, तालियां बजाओ। हमारे बीच आज एग्रीकल्चर ऑफिसर, वेटरनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याएं सुलझाएंगे। क्या बताऊं, सारी फसलों को कीड़े लग गए, कितने भी दवाई छिड़को कमबख्त मरते ही नहीं, अब क्या करूं? एक काम कीजिए। मेरे रहते आप जवाब देंगे तो कैसा लगेगा, बैठ जाइए। मैं हूँ ना, देखिए फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है। कीड़े फसल क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखड़े नहीं रोने पड़ते यहाँ। क्या करना होगा? अगले 4 साल तक खेती बंद कर दो। मतलब खेती गई। वाह कितनी समझदार है। अकाल से आधे कीड़े भूखे मर जाएंगे, बचे हुए किसी और के खेत में मुंह मारेंगे। 4 साल बाद मजे से खेती कर लेना, सिंपल। हाउ इज द प्लान? कीड़ों का तो पता नहीं पर हम किसान भूख से मर जाएंगे। क्या प्लान है नागालक्ष्मी, आंखें खोल दी सबकी, ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे। ए ताली बजाओ। नेक्स्ट एवरो मागे ये दो लबोधन दान नोडले ने अटे आदि अत्क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 
కూర్చోండి కూర్చోండి. అవన్నీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అండి, భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు సహజం. ఏం మాట్లాడుతుంది? వాటి మధ్య ఏం మనస్పర్ధలున్నాయో ఒకసారి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సాల్వ్డ్. దొల్ల పోతులు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడేటండి బాబా. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? ఏమండి రమేష్ గారా, ఏంటండి ఇదే? ऐसे सरपंच के हमसे दुश्मनी निकालने के लिए बना है? ए, सब निकलो रे, क्या फालतू. चलो चलो, इसके चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे हम लोग. रुको, सब उठ के क्यों जा रहे हैं पापा? भाषण देना तो बाकी है. अरे मैंने कुछ गलत सलाह दे दी क्या गांव वालों को? गलत तूने नहीं, गलत तो मैंने किया है. हा? चलो सब सरपंच ऑफिस पहुँचो, बहुत काम बाकी है अभी. चलो यार, किसी को कदर ही नहीं है. वाह 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 वाह, सुपर, क्या फाड़ू एडवाइस दी तुमने, दिल खुश कर दिया. महान नागलक्ष्मी, आज तक मैं तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर देना प्लीज. क्या बोला? इस देश का तुम उज्जवल भविष्य हो, कसम से. हा? उस जमाने में थी और इस जमाने में तुम है ना. हा? यकीन हो रहा है ना? हो रहा है, हो रहा है. नागलक्ष्मी, तुम इस गांव की सरपंच नहीं हो बल्कि इस राज्य की सरपंच हो, देश की सरपंच हो, यूएस की सरपंच हो. वादा करो तुम बनोगी, वादा करो प्लीज, वादा करो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस गरीब जनता के लिए प्लीज. नागलक्ष्मी प्लीज, बनोगी ना? बनोगी ना तुम? नागलक्ष्मी का नारा लगाओ, जय नागलक्ष्मी, बोलो ना, जय नागलक्ष्मी, जय नागलक्ष्मी. इसके बाद सच निकलेगी ना? देश और राज्य का सरपंच वो उल्लू बना रहा है, जरूर उसका कुछ प्लान है. तुझे क्या पता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है देश का सरपंच? कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा. फीलिंग इम्पोर्टेंट है ना कि शब्द. क्यों बंगे राजू, नागलक्ष्मी को सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, उससे शादी कर लो, अच्छी जोड़ी है. क्या कहा? अरे मेरी पत्नी की रिश्तेदार है, सरपंच भी है, जोड़ी जमेगी तुम्हारी, सच में अच्छी लड़की है, जोड़ी जमेगी. अभी जोड़ी जमाता हूँ. क्या कहा? कहा है? इनकी टांग रुक जाएगी ना तब ये जोड़ी जमाना बंद करेगी. राजू भैया, आपको किसी का फोन आ रहा है. क्या बुला रहे हैं तुझे? रामू चाचा का फोन है, अगर बात कर लो. हाय बेटा. हाय पापा. डिड यू ईट? खा लिया पापा. हाँ गुड. टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे खाना खाता हूँ, टाइम पे सो जाता हूँ. गुड गुड. आप वहाँ ड्यूटी निभाओ, मैं यहाँ ड्यूटी निभाता हूँ. अरे वाह, ठीक है. मैं तो सुबह से ही हॉस्पिटल में हूँ बेटा. ओहो सुपर. ओके आई विल सी यू. ठीक है, बाय बाय. चलो रखता हूँ, बाय. पापा पापा एक मिनट, कुछ बात करनी थी. व्हाट? आपसे मिले कितना अरसा हो गया है पापा, कैसे हैं आप? आई एम ओके, रोज तो बात करते हैं. हाँ ठीक है, लेकिन सामने से देखे अरसा हो गया. ओह आपकी तबीयत तो ठीक है ना, हमेशा की तरह फिट. और क्या चाहिए? मैं भी ठीक हूँ, कुछ और बात करो ना. पापा एक्चुअली पेशेंट्स वेट कर रहे हैं बेटा, मुझे जाना होगा. ओहो सॉरी सॉरी, लेकिन टाइम पर खाना खा लेना पापा, ठीक है ना? क्या है कि अब सीता भी नहीं है ना ख्याल रखने के लिए. क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? आज तक मैं ये सब कहता रहा हूँ तुमसे,
और आज तुम ये कह रहे हो? बस कहने का मन किया पापा। हाउ स्वीट। ओके बेटा, बाय बाय। आप सब गांव वाले अपनी जमीन खाली करके इनके हवाले कर दीजिए। पर क्यों करें? पिछली कई पुश्तों से ये जमीन हमारी है। अब ये किसी और को क्यों दे? और कोई चारा नहीं है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। इनके मदद करना मेरा फर्ज है। ओ, मैडम की पंचायत चल रही है। जमीन असली मालिक को ही मिले, यही सरपंच का काम है। मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी, ये भी तो सरपंच की ड्यूटी है। लेकिन इससे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सरपंच साहिबा, मैं आप पे भरोसा करके आपके पास आया हूँ। आपको हक मिलेगा। रोड पे फेंकेगा इन्हें? उसके बाप की प्रॉपर्टी है साले, अभी दिखाता हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है, मेरी एंट्री बाकी है। ऑटो ऑटो। क्यों रे मैडम, हाँ? किसी और की जमीन किसी और को? कल तो तारीफों के पुल बांध रहा था, आज अचानक कांटे क्यों बो रहा है? है ना गिरगिट कहीं का। ए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे पुरखों ने इनके पुरखों को ये जमीन दी है। इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड़ की जमीन हमारी है और इसमें से 50 एकड़ हमने इनको दी। ये बात सरपंच जी को समझाइए। बकवास बहुत हो गई, कोई प्रूफ है? वो भी दिखाऊंगा। सुनो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, ब्रह्मो से मिलो, लॉकर के तीसरे खाने में जमीन के कागज है, लेके आओ। शकल क्या देख रहे हो, लेके आओ। जा रहा हूँ। थोड़ा सब्र रखो, आता ही होगा तुम्हारा सबूत। ये देखो आ गए असली कागजात, अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। चोर को याद आएगी नानी। लाइए अंकल। वेरी गुड। पढ़ी लिखी तो होई, तुम खुद पढ़ सकती हो, फिर भी समझ में ना आए तो वकील से पढ़वा लो। राजू ने हमें बचा लिया, वरना ये तो हमें बेघर कर देती। किसने सरपंच बनाया ऐसे पागल कहीं की? मुझे पागल बोला? I will kill you, औकात मेरे। सब रुक जाओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की गलती क्यों नहीं मानती? किसी की शक्ल देख के, उसके कपड़े देख के गलत का साथ दोगी तो पब्लिक तुम्हें रोड पर ले आएगी। बंगा राजू, ये क्या कर रहे हो? गरीबों के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। ये क्या पागलपन है? ये पोस्ट का रोब, फोकट का भाषण काम नहीं आते। सुनो तो, जाओ यहाँ से, घर जाओ। आंख और दिमाग खोल कर फैसले करो। बंगा राजू, बंगा राजू। ओए, तुम भी यहाँ आ गई? अकल नहीं है क्या? क्या कर रहे थे? रो रही है, सबके सामने बेइज्जती कर दी उसकी। जानकर नहीं किया, बस बात करते करते थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे। तुम्हारी गलती की वजह से रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा, कैसे मनाओगे उसे? आप देखो। रुक जाओ, अच्छी नहीं है। नागलक्ष्मी जरा सुनो तो, ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था, हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी। इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर गलती मेरी है, मैंने अपने कागज घर पर रखे थे। इनके इस छोटे से नाटक से हम दोनों की गलतियां सामने आ गई। न्याय दिलाने का ये तरीका हमारी सरपंच ही सोच सकती है। ये प्लान कब बनाया? सच में? मेरा ही प्लान था। इतनी खरी खूटी मैंने सुनाई, लेकिन इन्होंने मुझे एक शब्द तक नहीं कहा। साक्षात देवी हैं ये। सोने का दिल है तुम्हारा नागलक्ष्मी। सच में तुमने मेरा जमीर जगा दिया। अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेज दो, ताकि इनको वो महसूस हो जो मुझे हुआ। आग लगाने वाली है तो आओ नागलक्ष्मी। चलिए सब आगे आ जाइए। अब हम सब मिलकर नागलक्ष्मी जी का जय जयकार करेंगे। जाइए जाइए घर जाइए, पेपर्स मिल गए ना, जाइए। अब देखना तेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ते हैं। बात करने में थोड़ा अकड़ू सा है, पर दिल का बहुत अच्छा है। दिल का? I like him. Like him? मछली जाल में फंस रही है। बिल्कुल। मैडम मैडम, सरपंच मैडम, इतनी आसानी से इस पर भरोसा मत करना, आपकी उम्र ही क्या है?
आप सरपंच है, कोई छोटी मोटी हंसी नहीं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, महाज्ञानी हैं, आप यहाँ के राजा जैसी हैं, और वो मामूली प्रजा है। मुझे सब पता है, एक नंबर का आवारा है, सबसे बड़ा छिछोरा है, पर मैं उसे पसंद करती हूँ। अरे हाँ, तुम यहाँ नीचे कैसे आ गई? ऐसे आई प्रभु। बात क्या है प्रभु? जरा वहाँ देखिए, उन दोनों को मिलाने की बजाय उन्हें दूर कर रहे हैं, उन्हें इसी वक्त ऊपर बुला लीजिए। इतने अल्प समय में उसे बुलाना असंभव है। तो फिर मुझे नीचे भेज दीजिए। ये भी असंभव है। या तो उन्हें ऊपर बुला लीजिए या मुझे नीचे भेज दीजिए, बस दो ही रास्ते हैं आपके पास। धर्म संकट में डाल दिया। मैं तो क्या, इंद्रदेव भी डरते हैं तुमसे, तुम तो वाकई कमाल हो मेरी हरी भरी। बेटी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो, कल तुम्हारे पिता की 60वीं वर्षगांठ है। जी पंडित। जल्दी क्या है पंडित जी, किसी और दिन करवा लेंगे। समझ क्यों नहीं रहे, ये आपके लिए आवश्यक है। ठीक है पंडित जी, कल ही कर लेंगे पूजा, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। सही कहा ना दादी? अरे काफी दिनों से मुझे आपसे बात करनी थी बेटिया, नागलक्ष्मी के लिए मैंने एक वर्ड ढूंढा है। रहने दीजिए पंडित जी, लड़का मैंने पहले ही देख लिया है। हाँ। बस सही वक्त का इंतजार है, कल पूजा के बाद उससे ये बात करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है? मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पे कायम है। सुपर चॉइस है, जो हमें चाहिए था वो सारे गुण है इस लड़की में। शादी के बाद दोनों एक साथ कैसे लगेंगे? जैसे हम लगते थे, लैला मजनू की जोड़ी। देखा, उसका चेहरा पूनम के चांद जैसा खिल रहा है, उसका सरल मन गुलाब की तरह महकता है। सुंदरता और सादगी का अनोखा संगम है ये लड़की, बिल्कुल तुम्हारी ही छवि है। हाँ सही कहा, ये हमारा सपना है और जरूर पूरा होगा। शादी के बाद तो हमारे पोते के भाग खुल जाएंगे। जाओ पूजा खत्म होने से पहले उसे यहाँ ले आओ। हाँ तो लेकर आता हूँ ना। बैठो बेटा। चल चल जल्दी बताओ। हेलो हेलो बंगार राजू। हाँ पद्मा, मुझे तुमसे बात करनी थी, मिल सकते हो? कहाँ हो तुम? हमारे नारियल के बगीचे में। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ। बंगार राजू, हाय, बोलो क्या बात करनी थी? शर्मा क्यों रही? दरअसल क्या हुआ, बोलो ना। ए, लड़ने आए हो या डांडिया खेलने आए हो? टू इन वन का पावर देख। Hey!
राजू ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मत, शांत हो जाओ। ये अपशकुन है। पूजा के बीच विघ्न आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा, यह गलत हुआ। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़िए मुझे, जाने दो। पूजा में विघ्न डाल दिया, दिमाग नहीं है? ये क्या पागलपन है? ये बनौती है पापा। ऐसा कुछ नहीं है। ए, लेके जाओ इसे, ले जाओ, जाओ। कभी माफ नहीं करूंगी, समझता क्या है खुद को? ए, चल भाग, शर्म आनी चाहिए तुझे, भाग। दरअसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया, इसलिए बंगाराजू ने उसे सबक सिखाया। उस दिन का बदला लेने वो आया था। सुनो बेटा, वो क्या है, नागलक्ष्मी को मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए उसने ऐसा किया। तू दोस्त है इसीलिए तुझे छोड़ दिया, वरना आज उस मंडप में तेरा सर काट देता। 20 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए, भगा कर लाए भी तो उसी यज्ञ के पास, पूरे गांव के सामने तमाशा बना दिया। आज अगर मैं वहां नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। उसका मरना क्यों जरूरी है पता है ना? अरे बता ना। मंदिर में छुपे खजाने के लिए, टाइम पास के लिए उस बंगार राजू को मारने के लिए नहीं कहा है। तुम लोगों को यह खेल लगता है क्या? उस माइनिंग ऑफिसर को क्यों मरवाया था? किसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अनबिलीवेबल सर। उस ऑफिसर ने बिल्कुल सही कहा, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये अद्भुत चमत्कारिक मणि है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है। उनकी रक्षा के लिए खास शक्ति काम कर रही है। उन मणियों को हासिल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हटाना पड़ेगा। कैसा रक्षा कवच? बंगार राजू। बंगार राजू? हाँ, पहले उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे थे, पर उसे हासिल करने के लिए बंगार राजू को मारना पड़ेगा, वरना तुम लोग खून की उल्टियाँ करके वहीं पर मर जाओगे। अब तू ही बता, खजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बंगार राजू को मारना होगा। उस बंगार राजू का वजूद मिटा दो। बंगार राजू को मरना ही होगा। इस सब में तुम्हारे पोते की कोई गलती नहीं है। इस दुश्मनी की शुरुआत मुझसे हुई थी, वजह तो तुम जानती ही हो। तुम अपने आप को दोष मत दो, सब किस्मत की बात है। तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन आत्माओं को और कितना कष्ट सहना पड़ेगा। अतिशीघ्र उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, पूर्ण रूप से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें परम मोक्ष मिलने से पहले अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा, सुख और दुख दोनों भोगना होगा। अभी बहुत सारे बड़े कार्य करने हैं इन्हें, बस देखते जाओ। क्या फालतू दोस्त है, तुम लोग एक गेम नहीं जीत सकते। ए, कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी, आज जब पार्टी की है तो जमकर पीते हैं फुल नाइट। क्या ये सच है? नागलक्ष्मी ने इसको कान के नीचे बजाया था। सोला ने सच है। तुम लोग ये गेम से संन्यास ले लो। तेरी चाल। अरे अरे, मेरे लिए भी रख। रुको, देखा तूने, नागलक्ष्मी ने ऐसा झटका दिया है कि दिल में गड़गड़ गड़गड़ पी रहा है। 420 का झटका बोल। अरे रुक, क्या कर रहा है, इतना दिल पे नहीं लेते। छे, किक मिलती है यार। अब बोल, किसकी बारी है? वो बेचारा तो परेशानी में पी रहा है, उसे रोकना चाहिए था ना। गम में पी रहा है बेचारा। ये सिर भारी हो रहा है मेरा। अरे बंगाराजू, पता सब क्या बोल रहे हैं, नागलक्ष्मी ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। अच्छा,
ना अंकल, रश्मि ने मुझे थप्पड़ मारा। तेरी तो, किसने फैलाया, किसने फैलाया ये सब? बोल, किसने फैलाया? जो बोलना उसे जाके बोल। अरे मेरा दोस्त है, बोल, किसने बताया ये? तुमने और चढ़ गई उसे। ओए, एक बार और मारना, सुरसुरी सी होती है। तुम सब दोस्त के नाम पे कलंक हो। नाग लक्ष्मी ने तेरे कान के नीचे मारा। अपने करतूत का नतीजा, गुस्से में सबसे मार पीट कर रहा है, और ये है इसके बेवकूफ दोस्त, उसे रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। तू वही रुक, मैंने रुक वही जाके अभी बताता हूं तुझे। अरे मार, तो उसे मार, जाकर उसे रोको, मैं हाथ जोड़ती हूँ। किसी की जरूरत नहीं मुझे टच करने की, वो मुझे क्या थप्पड़ मारेगी? बोल, वो क्या उसका बाप? इतने सीरियस क्यों हो गए? सीरियस क्यों हुआ? मैं तो छोटा सा मजाक कर रहा था। चलो आजा आजा। चलो, मैंने गोद भर आई की लिस्ट बना दी है। बोलता जा। हल्दी 4 किलो, 2 किलो कर, 3 किलो केसर आधा कर दे। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र है या तुम्हारा राशन वाला? ऐसा नहीं है मामा। समाज में आपकी थू थू हो रही है और आप यहाँ पर मेंढक की तरह कूदे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपकी जगह मैं होता तो खून खोल जाऊंगा। मेरी बुराई किसने की? ए बताना, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा, बता। शुरू हो जा। उसने कहा आप दिमाग से खाली हो। खाली दिमाग बोला? और क्या बोला? क्या ऐसा कहा कि खुद के दम पे चड्डी बनियान का स्टॉल तक नहीं लगा सकता? यूज़लेस मैन हो। है कौन ये? चड्डी बनियान पे आ गया। मेरे तो कान से खून आ गया। उसने कहा कि आप चिंपैंजी जैसे हो। मैं चिंपैंजी जैसा हूं? आपने भांजे के टुकड़ों पर पलते हो। आपकी हिम्मत नहीं कि घर से बाहर निकलकर खुद कुछ कर सको? थू ऐसी जिंदगी पर। लेकिन ऐसा कहा क्यों? नाग लक्ष्मी जब से सरपंच बनी है एक बार भी आपसे मिलने आई है क्या? नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? बिजी होगी। कोई बिजी बिजी नहीं, बोल रही थी वो फालतू आदमी से मिलने नहीं जाएगी। मुझे पता है। और क्या कहा उसने? कहा आपकी हालत गुलाम और नौकर से भी बदतर है। गुलाम कहा? अरे अरे बंगर राजू, गुलाम लगता हूँ तुम मुझे सर पर बिठा कर रखते हो, उसे बताना था ना। अरे आप गुलाम नहीं, राजा हैं, राजा। लेकिन उस नकचड़ी लड़की को तो मुंह तोड़ जवाब देना है ना। मुंह तोड़ देना उसका। करेक्ट बोला। एक आइडिया दूं क्या? अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है, उसकी पूरी फैमिली को एक हफ्ते के लिए अपने घर बुला। पूरी फैमिली को बुलाऊं? अरे उस सरपंच की बच्ची को भी बुलाना है ना। उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी सात पुश्तें तक याद रखे। और क्या? यही करो। बुलाता हूँ कमंडी को। उस सरपंच को एक पंच मार के जाना, चूर चूर कर देना। आप कुछ बोलोगे भी या बैठे रहोगे मुंह चढ़ाकर? कोई कुत्ते जितनी इज्जत नहीं कर रहा मेरी। ये सरपंच बनी तो मैंने बधाई दी थी ना, आज पूरा गांव मेरे नाम की जा रहा है। जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से बहुत बिजी रही हूँ। काहे की बिजी हो? कुछ भी, इन जोकर्स की मंडली के साथ घूमने का टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझसे मिलने के टाइम पर बड़ी बिजी हो जाती हूँ। जोकर मुझे कहा? आपकी बात नहीं कर रहा बल्कि आग लगाने वाले इन जोकरों की। मुझे नहीं कहा, तू सेल्फी ले। गली का कुत्ता समझ के दूर भागते, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा घोर अपमान, दिल अंदर से रोने लगता है। नहीं करना चाहिए, मन करता है कि मर जाओ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 2 दिन पहले ही आ जाएंगे हम लोग। चाहो तो नागलक्ष्मी पहले आ जाएगी, अब तो खुश हो। मम्मी हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? वो बंगार राजू बहुत बड़ी आफत है। उस दिन पूजा में विघ्न डाला, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात? उस दिन आपने ही हम सबको बताया था उन गुंडों से उसका कोई नाता नहीं। सच्चाई नाग लक्ष्मी को समझाइए। दरअसल बंगार राजू ने उन गुंडों से मेरी वजह से ही दुश्मनी मोल ली थी बेटा। पूजा वाले दिन मंदिर में वो उसी का बदला लेने आए थे, उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था और इस मुश्किल में पड़ गया। ये आपने बताया क्यों नहीं? बता देता पर कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है पापा, आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। सरपंच जी का स्वागत है। इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम जो पधारी हो। सरपंच औरों के लिए हूँ, परिवार के लिए नहीं। देख रही हो, नेताओं से 2 कदम आगे है। देख रही हूँ। वेलकम वेलकम। उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था, आज ये घर पर आ गई। ये लड़की नहीं आफत है। ये साला उस दिन थप्पड़ को याद करके शराब पिया जा रहा था और आज तारीफों के पुल बांध रहा है। अगर नागलक्ष्मी गुरु है तो हमारा भाई गुरु। आगे क्या होगा? सॉरी। दरअसल थैंक्स कहना था। थैंक्स किस लिए? उस दिन पापा की हेल्प की थी ना, उसके लिए थैंक यू। समझा नहीं कुछ। याद है ना, उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी, इसलिए आज बिल्ली बन के आई। नागलक्ष्मी अंदर आओ।
बंगा राजू, मैं अंदर जाऊँ ना? इतना प्यार, ये पटेगी नहीं ना? पटने नहीं दूंगा, चल। हाँ। स्टैचू क्यों हो गया? शौक लगा क्या? शौक तो उसे लगेगा। अच्छा हुआ दोनों थोड़ा करीब आने लगे हैं। आखिर पोता किसका है? अरे सुनो, कुछ कहना था। अरे एक मिनट रुको, कुछ बात पता नहीं है। अरे अंकल हाथ ऊपर करो। अरे ये घर है कि यूक्रेन रशिया का बॉर्डर है, बाहर इतना बड़ा गार्डन है, वहाँ जाके खेलना, भाग इधर से। लड़की हो इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, वो किसी एक का होगा ये बात तो तुम भूल ही जाओ। बचपन में जब वो गोपियों को घुमा रहा था तब बच्चा समझ के लड़को किया। ये कन्हैया एक राधा पे टिकने वालों में से नहीं है, ये रसीला है। अगर कोई ढंग की बात है तो जल्दी बको, सरपंच का टाइम वेस्ट मत करो। इतनी हिंट दे रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रही। मुद्दे पे आता हूँ, ध्यान से सुनो। लड़कियों को झांसा देना उसके बाएं हाथ का खेल है, क्रीज पे वो एक दो रन नहीं लेता, सीधा चौका। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तुम्हें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो। आप जितना दिखते हो उससे ज्यादा बुद्ध हो। इस आफत का नाम है नाग लक्ष्मी। जब तक वो सीधा रहेगा तब तक मैं सरपंच के रूप में रहूंगी, अगर टेढ़ी हरकत की तो लेडी सिंघम बन जाऊंगी। एक पंजा मारा ना सारी आशिकी भूल जाएगा। ये जोश ठंडा मत होने देना, ऑल द बेस्ट, मेरा आशीर्वाद लोगी। अच्छा रहने दो, इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। नागलक्ष्मी कहाँ है? हमारा बेजू बावरा हो गया है। क्या अदा है इसकी, नागलक्ष्मी तू मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। हाय बंगा राजू। हाय। काफी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। तुम भी इतनी अच्छी दिख सकती हो। सच में थैंक्स अगेन। आज फ्री हो क्या तुम? इनके पास क्या काम है, ये तो फ्री है। तेरी तो नहीं, नहीं मुझे बहुत काम है। ओके ओके मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। ए क्या सब फोन में लगे पड़े हो, इधर आओ। क्या बात है दीदी, मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? कौन सी गेम दीदी? लुका छुपी चोर पुलिस। लुका छुपी और चोर पुलिस, मतलब मैं पकड़ूं वो छुपे, वो पकड़े मैं छुपूं, और फिर नागलक्ष्मी लुका छुपी और चोर पुलिस ना, ये तुम्हें बचपन में बहुत खेलता। अच्छा? था देख रही हो, यही चिपका रहेगा हीरो। ओके तो फिर तुम भी हमारे साथ खेलो। हमारे साथ तो नहीं खेलते। लुका छुपी और चोर पुलिस वाला गेम मेरा फेवरेट है। तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है? वन टू थ्री, ये तीन आउट हो गए और तुम भी आउट हो गए, ये सबको आउट कर देगा। वन टू थ्री, चलो तुम आउट। वाह लाल गोपाल, हाथ में हाथ डाल दिया। हाँ हम दो ही बचे हैं, सब यहाँ आ जाओ। जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। यहाँ आओ। क्या हुआ रे? तुमने कैसे किया था? ऐसे। और मैंने? ऐसे। तो डाइन किस पे आया? पहले चुटकी पकड़ी। अरे बंगा राजू, डाइन इस पर आया। हाँ वही तो। कर रहे हो? गलती से मिस्टेक हो गई ना। आजा आजा okay. आजा। बच्चा फुल फोकस है। तुम उधर फोकस करो। लता तुम कंटिन्यू करो। अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। रोशन जाओ, रोशन छुप जाओ। ये पूरा मैदान क्लियर कर रहा है, फिर अपनी फील्डिंग लगाएगा। अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। बंगा राजू, बंगा राजू, बंगा राजू छुप रहा है, बंगा राजू छुप रहा है। अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी जाओ छुपो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आज तो हमें फिल्म देखने को मिलेगी। ये नागलक्ष्मी वहां नहीं, इस तरफ, यहाँ यहाँ आ जाओ, छुप जाओ मेरे पास, यहाँ पर। गपागम गपागम गपागम, मुझे देखने दो। 98 99 100, ready or not, here I come, छुपो। देखना कहीं बाहर तो नहीं, जाओ देखो ना। इवेंट का चलो, अरे यहीं पर। आ रहा है क्या? यहीं आ रहा है, दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ वो बाहर ही है, तुम शांत रहो। रवि आउट। तुमने कहा बाहर है? मोटू बड़ा तेज है। ओ ओके, उस तरफ छिप जाओ। मोटू की तुम है? आउच, आराम से। क्या कर रहे हो? रिंकू को देख, वहां जाके देखो। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी। बंगार राजू, यहाँ बहुत जगह है, यहाँ आकर छुप जाओ। जगह कहाँ है? दोनों के लिए काफी जगह है, आ जाओ, छुप जाएंगे, नहीं ढूंढ पाएगा। कहीं नियत ना डगमगा जाए। अरे डगमगाने दे मामा, लपक ले। जाने से पहले दरवाजे की कुंडी लगा दे। पर लेना अकड़ अम्मा जाम। अंत से एपो पोट्टु कांगुलाम दूरम लो चेही पिड़ते रिएक्शन आएगी उंटदी। ओयो चूसावा मत्तम चूसे बंगार राजू रमंटे रावे येल्ला भैया। ఒక అమ్మాయి అటువైపు తిరిగి అందమైన నడుము చూపించి రారా అంటుంటే అదే అదే ఇది. ఏం ఆలోచించకు, ఎల్లు కొమ్మి, ఆల్ ది బెస్ట్. ఎల్లే ముందు తలుపు కడిపెట్టి. నేనా కమరే మే లే జాకే దర్వాజే కీ కుండీ బంద్ కర్ దేగా, ఉస్కే బాద్ క్యా కరేగా తుమ్ తో జాంతీ హో. అందర్ సే దర్వాజా బంద్ కర్ దియా, नियत में खोट है इसकी। कोशिश तो करके देखे, नागलक्ष्मी क्या है पता चलेगा। म्याऊं। क्या कर रहे हो? चप्पल खाएगा, पहले कमर में हाथ डालेगा, फिर चिमटी काटेगा। फिर नागलक्ष्मी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटेगा। उसके बाद ये प्यारी बातें, ये गहरा प्यार, शादी के सपने, बच्चे बच्चे सब खत्म हो जाएगा। सपने किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दबोच ले। आने दो उसे, शुक्र है ये सबक उम्र भर याद रखेगा। नागलक्ष्मी, इस घर के अतिथि हो तुम, और पता है ना अतिथि देवो भव। मेरी मेहमान ये गेम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये गेम हार जाऊंगा, खुद को ही मैं आउट कर दूंगा, ठीक है ना? अब मैं बाहर जा रहा हूं। बंगा राजू आउट। अच्छा लड़का है, आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सोचा? बच्चों के साथ खेलता है, भोला और मासूम, इस पर तो प्यार आ रहा है मुझे। ज्वालामुखी तो दूर बॉम्ब भी नहीं फूटा। मेरे किए कराए पे पानी फिर गया। एकदम यूज़लेस हो। बंगार राजू की मौत का हवन है। कोपम स्वयं विनाशनवादी। ఈ కోటేషన్స్ చెప్పి నీ తెలివి ప్రదర్శించకో, చెప్పిన పని చెయ్యి। వాట్ ఉస్కే మృత్యు కా రాస్తా సోచ్ లియా హై, సహీ ముహూర్త్ కా ఇంతజార్ హై। ముజే సహీ ముహూర్త్ కీ జరూరత్ నహీ, బస్ ఏక్ సహీ మౌకే కీ జరూరత్ హై। మార్ దూంగా ఉసే ఆనే వాలే 4 దినో కే అందర్,
उस बंगाल राजू की कहानी हमेशा के लिए खत्म। ए, आदि, तुम बंगाल राजू को मानने वाले हो? तो तूने सब सुन लिया? सब कुछ। जाके उसे बताएगा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। मैं 25 सालों से एक एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहा हूँ। या तो उसका शिकार करना या उसे मेरे लिए छोड़ देना। ना हमारे पास वक्त है ना ही गलती करने की कोई गुंजाइश। अरे संधि जी आई आई ना, दिल पे नहीं लेते। नमस्कार अंकल। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? कोई खास नहीं। ये नए कैरेक्टर कौन है? ये हमारे ब्रह्मो के संधि हैं। ओ कितने वक्त के बाद मिले हैं। आओ ना बाहर। अच्छा, सब ठीक है। अब टाइम मिला? हम जरा बिजी थे। जाइए अंदर बैठिए। आइए आइए अंदर चलते हैं। तुम इतना गुस्से में क्यों? क्या हुआ? गुस्सा नहीं तो क्या इनसे प्यार से बात करूं? ये क्या कह रही है? कोई ऐसे बात करता है क्या? बार बार इनकी शक्ल ना देखनी पड़े इसलिए बहुत पहले इस घर में आ गई मैं। आप अंदर। कोई बात नहीं। अब इस लड़की को क्या हो गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, आखिर बात क्या है? आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई? मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौकरानी का काम करने के लिए? ऐसा क्या किया इन्होंने? ये पूछो क्या नहीं किया। मेरी हर एक चीज से इन्हें प्रॉब्लम है। सुबह देर से उठूं, पति को नाम से बुलाऊं, कभी टी शर्ट पहन लूं, रात को नाइटी पहनूं, खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए, जो करूं वो प्रॉब्लम। जैसे कि मैं एक इंसान नहीं मशीन हूं। ये शादी गले का फंदा बन चुकी है। ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हूं। लता धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। सुनने दो उन्हें। समझ गया ना, शादी करके इतनी टेंशन में जीना, उससे अच्छा कवारे रह के ऐश करो। सही कहा। क्या जब देखो दांत दिखाता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं? ये सिखाया हमने तुम्हें? एक बात बताओ लता, सुबह जल्दी उठने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, साफ सफाई रखने के लिए बड़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए या खाना बनाने के लिए? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी बार टोका होगा? कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना? ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो। तुम्हारे सास ससुर ने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझकर टोका होगा, ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पति से कोई अनबन ना हो जाए। आहा। इन बातों के पीछे सिर्फ इनके प्रेम को देखो, इस तरह गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अंकल आंटी यहाँ आइए ना प्लीज। देखिए ये नया जनरेशन है तो आप भी वक्त के साथ बदलिए। एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उम्मीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माँ बाप समान समझती है। जिस तरह से वो आपके संसार में बस गई है, आप भी अपने मन से उसे बेटी का दर्जा दें। कोई भी इंसान अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल सकता, ये जैसी है वैसी इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। आप भी खुश रहेंगे और ये भी सुखी रहेगी। देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल, एक उम्र के पड़ाव के बाद जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार नहीं आने वाले, बल्कि उस वक्त कौन साथ होगा? उस वक्त आपकी बहू साथ होगी और इसके माँ बाप साथ होंगे, और यही सच्चाई है। अलग रहने से हल नहीं निकलता, सबके साथ रहने में ही सुख है। वादा करो, खुद से वादा करो।
बिगड़े हुए रिश्तों में फिर से मिठास घोलोगी। ये क्या बेटा? सॉरी पापा। क्या रे, इनका मेलोड्रामा अब तक चल रहा है? अरे इसीलिए बोला, अगर शांति से जीना है ना तो शादी के झंझट से दूर रहे। इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी अपना रंग नहीं बदलता। किस सोच में डूबे हो? कोई परेशानी है? कैसा होता है ना इंसान, जिंदा रहते हुए जीवन का मूल्य नहीं समझ पाता, मरने के बाद समझ में आता है। मैं समझता हूं, मुझसे पूछो। प्रेम और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ना अपनों के साथ रह पाया, ना अपने पोते को प्यार दे पाया। बड़ा मकान तो बनाया लेकिन घर नहीं बना पाया। छोटी छोटी बेमतलबी बातों पर कितना कलेश मचाते हैं ये लोग। जीवन है तब तक प्रेम है, मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं। बंगार राजे को झगड़ालू समझती थी, लेकिन वो रिश्तों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। सच कहूँ तो मैं भी यही समझती थी। अपने बर्ताव पर मैं आज शर्मिंदा हूँ। उसने मेरी लाइफ बदल दी। तुम दोनों भी धोखा खा गई। अंदर राम बनके रिश्तों पर लेक्चर देता है, बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है। अरे इंसान है। नो वे, मेरे पापा ने कहा अच्छा लड़का है। तेरा पापा मुझसे कम बेवकूफ नहीं है। ए, मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोला, वरना अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है ना, तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है। कर ले जो करना है। ए, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंद कमरे में तेरे साथ सकता था। तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डन चांस को छोड़ा कैसे? मारने से पहले सोचूंगी नहीं। तो क्या उसके लिए तू मेरा राम नाम सत्य करेगी? सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, कल उससे मिलो और मिलके उसे ये कहो कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आ जाओ चुपके से, और ये भी कहना कि वहां तुम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। भौरे की तरह उड़ता हुआ आएगा। अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार मानूंगा, बल्कि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूल्हे के पैर अपने हाथों से धोऊंगा। ठीक है, आपके मेरे बीच बैठ लगाते हैं। अगर कोई बदतमीजी की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी मांगूंगी उसी वक्त। पर उसने जेंटलमैन की तरह बिहेव किया ना, तो आप उससे माफी मांगेंगे? उस लोफर आवारा से? हाँ मांग लूंगा। पक्का ना? मेरे हारने का सवाल ही नहीं है, पर मांग लूंगा। लेकिन सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना वरना उसे शक हो जाएगा। ड्रामा कॉम्पिटिशन में बहुत अवार्ड जीत चुकी हूँ। देखते जाइए। देखते हैं। बंगार राजू। हाँ? ये रोज रोज क्यों करंट मारे जा रही? अब कौन सा कांड किया? थोड़ा पेट्रोल छिड़का है, प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगी। बस अब बारिश ना जाए। मनोज, अगर एतराज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं। आम के बगीचे में? हाँ ओके। कौन कौन जा रहा है? कोई भी नहीं, तुम मैं और बस तन्हाई। मतलब तुम मैं और कोई नहीं? आओगे ना? हाँ। कल सुबह 9:30 बजे शार्प आम के बगीचे में। फिक्स। ओके ओके। प्लान कामयाब हो रहा है। अरे बाप रे, बावली हो गई ये तो। आम के बगीचे में मिल रही है, वो भी अकेले में, कुछ कुछ रकम। पापा। हाँ बेटा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। मेरा राजा बेटा, सुपर डुपर। ए बंगा राजू। ए, यहाँ क्या कर रहा है? क्यों नहीं आ सकता, तुम भी तो आए हो। वो तो हम बोर हो रहे थे तो यहाँ टहलने आ गए। वही वही, मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया। इधर आओ, एक गेम खेलते। कौन सा गेम? रनिंग रेस। वो कटा पेड़ दिख रहा है, जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो विनर होगा। ओके बढ़ोगे ना? शुरू करें तो फिर 3 के काउंट पर। 1
two, three. Go. नंदी ये अपना ही बच्चा है नंदी। बंगार राजू चिन्ना तू ठीक है ना? चोट तो नहीं आई? ठीक हूँ। ये ठीक है इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है? और कितनी देर तक सोता रहेगा? उठाओ ना इसे। अरे सोने दो ना बेचारे को। ओह, अभी तक नहीं उठा। कैसे हो बेटा? हैप्पी बर्थडे। हाय पापा। रामू। थैंक यू पापा, आपने मुझे विश कर लिया। गिफ्ट भी कुरियर से आता ही होगा। मैं टाइम पे ना आ लूंगा। ऑफ कोर्स। टाइम पे खाना भी खा लूंगा। यू नो एवरीथिंग सन। ठीक है, परफेक्ट जा रहे हो। नाइस। हैव अ नाइस बर्थडे सन। ओके, बाय। संभाल के क्या रे, उठ गया? नौकर से कहो नहाने के लिए पानी गर्म करे। दादी गालियाँ देंगी अगर तुम्हारे बर्थडे पर कोई कमी रह गई तो। कितना झूठ बोल रही है, कब गाली दी इन्हें?
जानवर को नहला रहा है क्या? माफ कीजिए, गलती हो गई। मैं नहराती हूँ, पानी डालो। देखो तो कितने प्यार से उसका सिर धो रही है। नहाने के बाद पूजा करने आ जाना। पूजा करने? लेकिन क्यों? मैं कह रही हूँ इसीलिए। ठीक है, आरती लो। हाँ? आरती लो। ये आज खास तुम्हारे लिए बनाया है, खाओ। प्रसाद खा लो, फिर हमें मंदिर जाना है। मंदिर जाना है? उसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा ना जाना है। जैसा तुम कहो। परसों के बाद मंदिर आया हूँ। अब इसकी आदत डाल लो। देखते हैं। हेलो। हेलो बेटा। हाय पापा। डिड यू ईट? टाइम पे उठा, टाइम पे खाया, टाइम पे सो जाऊंगा। तसल्ली हो गई? गुड। अब फोन की ड्यूटी हो गई हो तो हॉस्पिटल की ड्यूटी कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। वेलकम बेटा, बाय बाय। पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बचपन में ये सारी चिट्ठियां लिखी थी पर मैं उन्हें कभी पोस्ट नहीं कर पाया। पता है उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। अमेरिका जाऊंगा तो भी उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा और यहां पर वो आएंगे नहीं। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं पर पता नहीं क्यों जाहिर नहीं करते, और जितना वक्त वो मुझे दे रहे हैं ना उतना मेरे लिए काफी नहीं है। तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इस रिश्ते की डोर और कमजोर ना हो जाए। इसलिए मैं बेमनी सही लेकिन उनसे बात कर लेता हूं। सच कहूं तो लाइफ में खुशी जैसी कोई चीज रही नहीं है। अपना दुख छुपाने के लिए हर चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करता पर अंदर से मैं कितना अकेला हूं ये तो मैं ही जानता हूं। अरे आ गई बेटा, कैसा रहा फंक्शन? बहुत मजा आया। आओ खाना खा लो। आओ आओ। अभी आई, एक मिनट। फोन देखो। बंगार राजू उठाओ। हेलो अंकल। हाँ बोलो बेटा। एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ये बात मैंने अभी तक नागलक्ष्मी को नहीं बताई है, सोचा पहले आपसे बात कर लूं। मुझे उससे प्यार हो गया है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो पर मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जितनी इज्जत मैं अपने माता पिता की और अपनी दादी की करता हूँ उतनी ही इज्जत मैं आपकी बेटी की भी करूंगा। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ ठीक है अंकल। करो। क्या जवाब दूं बेटा? आप इससे अच्छा हम सफर मेरे लिए ढूंढ पाएंगे क्या? हाथ मुंह धो ले, खाना ठंडा हो रहा है। आ जाओ। ठीक है। तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आता। तुम्हारे पापा से बात करता हूँ, ठीक हो ना रामू? या हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। हाँ?
यू मीन लव? हाँ। तो फिर सोचना क्या है? हाँ। शादी करवा दो दोनों की। 15 तारीख का मुहूर्त है। हाँ? शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें। What? Next month 15th को? हाँ। वो कहते हैं ना चट मंगनी और पट ब्याह। जल्दी से टिकट बुक करवा दो। I can't come. Too many surgeries. अरे तुम एक काम कर रमेश, उनकी शादी करवा के US भेज दे हनीमून के लिए। 3 महीने मेरे साथ भी रह लेंगे। हाँ? Okay, I have to go for a procedure now. Okay, bye. अरे तुम्हारे पापा भी अजीब हैं। शादी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहां भेज देना। वो क्या है ना, वो पापा बाद में, पहले वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शादी का क्या है, हो जाएगी, हम यूएस जाकर आशीर्वाद ले लेंगे ना। हुँ? एक ही बात है। ये भी ठीक है। ये सही कह रहा है। अगर मैं जिंदा होती तो आज ये शादी बड़ी धूमधाम से करवाती। तो अब भी क्या बिगड़ा है, तुम लेडीज में एंजॉय करो, मैं आदमियों में शामिल हो जाता हूँ, दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे। चलो। आखिरकार बंगाल सबकी बलड़ी रही है। बाप रे, ये बिन बुलाए कहाँ से आ गए? नमस्ते। पूरा मोहल्ला साथ मिलाया हो क्या? रुक रुक, पहले पीछे खड़ा हो जा, चल। दूल्हा दुल्हन से ज्यादा खुश तुम लोग दिख रहे हो। लड़कियों के माँ बाप है, खुश तो होंगे ना। हमारी बेटी आज से सुरक्षित हो गई है। इस दिन का इंतजार हमें सालों से था। खुशियाँ संभल ली गई। नहीं नहीं, वो क्या है ना, किसी की भी शादी हो, किसी का भी पंडाल हो, किसी की भी बारात हो, किसी की भी घोड़ी हो, आज पहुँच जाए। देखा बंगार राजू की शादी से लोग कितने खुश है। दूसरी तरफ इनकी बेटियाँ शादी रुकवाने के लिए हर तिकड़म लगा रही है। इनके बिना ये शादी नहीं हो सकती। वो ब्लेसिंग होता है। वही तो बोला मैंने, काम चला लेंगे। थैंक यू। हाँ चलिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और इन्हें खाना भी ठूस ठूस के खिलाना, अपना सारा ब्लैक मनी इन्हीं भुक्कड़ों पे ही तो लुटाना है ना। कैसे हो? अरे आओ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? सब बढ़िया है। ये इनविटेशन कार्ड है, आप सबको आना है। हाँ जरूर आएंगे। और भाई सब ठीक? अब सुन, हमने दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी रखी है और तुझे आना ही पड़ेगा। याद रख, शादी होने तक तुझे मेरे साथ ही रहना है, ठीक है ना? बिल्कुल रहूंगा। ठीक है, चल फिर। चलता हूँ, बाय। क्या देख रहे हैं आप? कुत्तों पर गौर करो, कुछ बेचैन से हो रहे हैं। बेचैन तो मैं हो गया हूँ उसकी शादी की खबर सुन के, और आप कुत्तों की हरकतों पर रिसर्च करते बैठे हैं। कब खत्म करेंगे उसे? उसकी मदद कर रहा है कोई, कोई अनदेखी शक्ति उसके पीछे है। ऐसा कुछ नहीं है, वहम हो रहा है आपको। विश्वास नहीं हो रहा ना? वो आ चुका है, बंगार राजू की आत्मा यही है, अब मिलेगा दिल को सुकून। छब्बीस साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था, आखिर आज वो दिन आ ही गया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? सत्य है, एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं। हर 24 साल में एक बार शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्युलोक पर आती है। उस आत्मा में इंद्रदेव की महिमा, यमराज का रौद्र और शिव की शक्ति होती है। इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि बंगार राजू की आत्मा है। सत्य है, मैं स्वयं साक्षी हूँ, अपनी आंखों से उस आत्मा को देखा है। उस दिन मैं मौत के चंगुल से बाल बाल बचा था।
और तभी मैंने प्रतिज्ञा की कि उसकी आंखों के सामने उसके पूरे कुनबे को भस्म कर दूंगा। अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याग दूंगा। देखना चाहोगे उसकी आत्मा को? उसके पोते को मारना है। जब वो आत्मा उसके भीतर ना हो उसे सिर्फ मारना नहीं है बल्कि तड़पा तड़पा के मारना है। जाओ उसे ढूंढ निकालो। वो आज रात जश्न मनाने आएगा। ये उसका आखिरी जश्न होगा। अरे आदि आ गया। आदि के लिए अरे मेरी शादी है पीना। क्यों रोका बुजी? मूड नहीं है मास्टर। क्या हो गया तेरे मूड को? बंगा राजू के बिना शुरू करने का क्या फायदा? ओए बंगा राजू। हाँ क्या हुआ? तू किसी का हो जाएगा रे बंगा राजू, फिर भी मेरी ही पसंद है तू बंगा राजू। तू बन जाएगा जो एक घर साधु, फिर भी हैप्पी ऐसे रहना तू बंगा राजू। हाँ, तुझे भी अपने दिल में रखूंगा। इसलिए కనిపిస్తున్న చిన్న బంగారాజు కాదు, వాడి లోపలున్న పెద్ద బంగారాజు ఆత్మ. इसे कैसे मारना है मैं जानता हूं। ए, ए, किसने भेजा है तुझे? किसने भेजा है तुझे? क्यों मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है? बोल किसने भेजा है? ए, ए, बोल, बोलना, उठना। ए, कुछ तो गड़बड़ है यहां। मेरे पोते को कोई क्यों मारना चाहता है? अब बस एक अंतिम युद्ध बचा है। ओम
ओम नमः शिवाय। जबरदस्ती तीन कॉफी पिलाए। हाँ, सत्य माँ तुम यहाँ हमारे साथ चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। इसको कैसे बताऊं कि इसके पोते को कोई मारना चाहता है? खामखा घबरा जाएगी। जय काली। इसके अंदर जो चेन है वो अभिमंत्रित है, इससे उसके दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करेगी। जाओ। क्या बात है, स्वागत करने पूरा गांव खड़ा है। देखो दुल्हन आ गई। जरा हटो। हटो बेटा। नमस्ते। अरे, बैठो बैठो बेटा। तुम क्यों खड़े हो रहे हो? कल इसकी मुंह दिखाई की रस्म है, आप सबको आना होगा। हाँ, जरूर आएंगे। हमारे जमाने में शादी के बाद ही दूल्हा दुल्हन को देख पाता था। ओल्ड फैशन दादी, तू होगी। ये लो बेटा, आओ। कैसे हो आदमी? हाय आदि। हे, कांग्रेचुलेशंस। जरा देखो तो, इन्हें बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त है। हे, ये क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? मुझे दो, बाद में खोल लेना। इसे अब पूजा में बैठना है। कल बंगार राजू के विवाह का दिन है। गलत, मौत का दिन। जल्दी चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। नवीन ने शादी। बंगार राजू, हाँ, जल्दी से मंदिर पहुँचो, हम सब भी वहीं जा रहे हैं। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अरे जल्दी तुम्हें ही थी ना। वक्त पर पहुँच जाना। अरे आदि, इसे लेकर जल्दी आ जाना। ले आऊंगा, देर मत करना। आप जाइए, वहीं मिलते हैं। जरा सुनो तो, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम साथ चलो। नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगा, तुम जाओ। हाँ ठीक है, चलो अब तुम्हें मंदिर जाना। जैसे हमने प्लान किया था सब वैसे ही चल रहा है। लाश को समंदर में फेंक दो। मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फंस गई है। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी कांप जाएगी। भाई, शादी की बात छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा। शादी के लिए हाँ कह दो। मंडप में पहुंचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जब तक बंगार राजू के पोते को नहीं मारेंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगार राजू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? जरा देखो तो उन्हें। उसे जिंदा मत छोड़ना। आप फिक्र मत करो, ये काम मैं करूंगा। तू तो रहने ही दे मनहूस। बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाया। लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया। तू क्या करेगा उसे? उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो रमेश है? ये तो आस्तीन का सांप निकला। भाई, इस बार बच के जाने ना पाए। जो करना है जल्दी करो। वो बंगार राजू की आत्मा इस धरती पर कब की आ चुकी है पता है तुम्हें? जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा। मुझे चैन तभी मिलेगा
जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा। जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। क्या कह रहा है? उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न ले लूं, भगवान ने मुझे हर वक्त इसीलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वध कर सकूं। तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा, खजाना तुम्हारा होगा, बदला मेरा होगा। मेरे कहने पर आदि बंगाराजू को शिव मंदिर लेकर आ रहा है। जाओ जाकर बचाओ उसे। आदि अभिमंत्रित है, शादी में बंगार राजू को यह पहना देना, दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को, जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा। पुकार सुनाई नहीं दे रही? मर जाएगा ये। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? मैं कान पे चिट लेता। तुम्हें कुछ करना होगा, उसे बचाना होगा, वरना तुझसे विश्वास उठ जाएगा। ए, नहीं रुक जाओ। पुद्रा वाण्ण वदले रा। नुव्वु इक्कड एक्कड उन्नावो नाकु तेलुस्तुंदि। ई बंगाराजु बयटिकि रारा रारा बयटिकि रारा रे बंगाराजु रारा रारा बयटिकि रारा बंगाराजु रा चूडु नी मनोडु ना कालु किंदुन्नाडु चूडु चूडु रे एं चेयद्रा వదిలేరా రే సంపత్ ఏం చేయద్రా వాణ్ణి మొత్తాతని చెప్పా కదా నువ్వు రే చిన్న పిల్లోడ్రా ఏం చేయద్రా రే వదిలేరా చచ్చిపోతాడ్రా बेटा आ गया रामू। ए, काट के रख दो, आज दादा बेटा पोता तीनों मरेंगे।
నా మనవాడిని తొక్కుతావురా, నా వంశాన్ని తొక్కుతావురా, నా కొడక చూడు చూడు బంగారాజునరా ఇక్కడే ఉన్నానరా. నీ మనవాడిని చంపపోయాడు, చంపు బంగారం చంపేయండి. బంగారాజు లెగరా రా, లెగరా ముందు. రెండర్ దెబ్బతీసాడురా కొట్టావు, ఎరక్కొట్టు నా కొడుకు కొట్టావు. तेरी छाती पर पैर रखा, कुचल डाल उसे। देखो देखो मार कमीने को, मार इसे। तुझे मारने की हिम्मत किसने? ये चोट कैसे लगी? अरे अंकल आप अरे बाप रे, अरे ये क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है राजू। ये धोखेबाज की बात नहीं है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। हे, मेरे बेटे को मारने की साजिश की तूने? चंपेसन, चंपेसन ये नौजवान हूँ। पापा छोड़िए, नहीं नहीं पापा छोड़ दीजिए, मुझे मारना चाहता था ये। पापा छोड़िए ना, छोड़िए, हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या कर रहे हैं, छोड़िए। पापा बच्चे का रुक जाइए, छोड़ पापा, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, छोड़। नागलक्ष्मी आ रही है, नागलक्ष्मी आ रही है पापा। तन तेलते बाद पड़ता ना, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। पापा, हाँ पापा, क्या हुआ?
What happened to you? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो. हाँ, I'm okay. वैसे आप अचानक मेरी बहू है ना, इसने मुझे फोन करके मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया. पहली फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ आ गया. Are you all right? Everything okay? मैं बिल्कुल ठीक. दादी माँ, क्या ये सच में आप ही हैं? आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर चली गई? पता है कितना रोया था मैं. फिर से मत चले जाना, यहां मेरे साथ ही रहिए. बेटा, कौन कहां रहेगा उसका फैसला इनके हाथ में है. जो इस संसार में आया है उसे जाना भी होगा. पापा बोलो, लाइफ में फर्स्ट टाइम आपको इतने करीब से समझा, दिल से देखा आपको. एक अलग ही हिम्मत पैदा हो गई है मुझमें. अब यही हिम्मत तुम्हें अपने बेटे में पैदा करनी होगी. बचपन में तो तू इसे छोड़ के चला गया, लेकिन अब इसे छोड़कर कभी मत जाना. हमारे जाने का वक्त हो चुका है, अब आज के बाद ना हम तुम्हें देख पाएंगे ना तुम हमें देख पाओगे. तुम सब अपना ख्याल रखना, हमारी प्रथा बनाए रखना. जैसे मैंने इस गांव और इस मंदिर की सुरक्षा की है, वैसे ही मेरे जाने के बाद मेरा पोता बंगा राजू इस गांव का दायित्व निभाएगा, लोगों की खुशियों का ख्याल रखेगा. जिस प्यार से लोग इस बंगा राजू को याद करते हैं, वादा करो वही इज्जत तुम भी कमाओगे. चिल्लो हार न जइयो, हार के सुन लो पलट न जइयो, खेल न कोई लट्टू सा लट्टू सा.